अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आयशा इब्राहिम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ खुदी बाय अल्लामा इकबाल। तो सबसे पहले हम इकबाल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अल्लामा इकबाल जो थे वो ग्रेटेस्ट सूफ़ी स्कॉलर थे, फ़िलासफ़र थे, शायर भी थे और एक रेवोल्यूशनरी लीडर थे 20th सेंचुरी के। 9 नवंबर 1877 में वो पैदा हुए थे और 21 अप्रैल 1938 में उनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने सोसाइटी की इस्लाह का बेड़ा तब उठाया था जब सोसाइटी बिल्कुल जहालत के किनारे पे थी, मतलब जहालत बहुत ज़्यादा थी सोसाइटी में, इलिटरेट और अनसिविलाइज्ड थी सोसाइटी। तब उन्होंने जो है वो सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम करना शुरू किया था। अल्लामा इकबाल की दो बहुत फेमस बुक्स जो हैं जो उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी थी, एक द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम और सेकंड द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया, ये इनका जो है हम कह सकते हैं कि मेजर कंट्रीब्यूशन है। देन उनकी लिस्ट ऑफ बुक्स हैं जो उन्होंने लिखी थी, उन्होंने बच्चों के लिए भी काफ़ी सारी नज़में लिखी थी, तो उनका काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट वर्क रहा है अगर हम देखें तो। तो ये कुछ उनकी बुक्स हैं, असरारे खुदी जिसमें उन्होंने खुदी का कॉन्सेप्ट दिया था, रमूज़े बेखुदी जिसमें उन्होंने बेखुदी का कॉन्सेप्ट दिया था, मतलब खुदी से बेखुदी तक का सफ़र जो है वो इन दोनों बुक्स में था। उसके बाद पयाम मशरक़, बाल जिब्रील, ज़रब कलीम, ज़बूर अजम, ये सारी जो हैं जावेद नामा, इनकी कुछ बुक्स थी। अब हम देख लेते हैं कि ये खुदी असल में है क्या, अल्लामा इकबाल ने इसको कैसे डिफ़ाइन किया है। ये जो कॉन्सेप्ट है खुदी का, ये उन्होंने रूमी से लिया था। अल्लामा इकबाल से पहले रूमी ने इसको एक्सप्लेन किया था, लाइक उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था लेकिन उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था और उसको जो है उन्होंने शनासाई के तौर पर लिया था, तो उन्होंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया। तो अल्लामा इकबाल आए, उन्होंने इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया और इसको जो है रिलीजन से, गॉड से रिलेट किया। अब ये सेल्फ़ है क्या, अल्लामा इकबाल से पहले मतलब उनकी राइटिंग से पहले इसको ईगो, अना, तकब्बुर, सेल्फिशनेस इस तरह से लिया जाता था कि सेल्फ़ क्या है, कि ये कोई तकब्बुर है, कोई गरूर है, मतलब एक नेगेटिव साउंड आती थी इससे। लेकिन इकबाल ने इसका कॉन्सेप्ट जब दिया तो उन्होंने अपने वे में दिया और वो उन्होंने पॉजिटिव वे में दिया। उन्होंने ये अना परस्ती, तकब्बुर, गरूर, ये जो कॉन्सेप्ट बना हुआ था सेल्फ़ के साथ, इसको डिनाई किया। ठीक है, इकबाल ने इसे काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया और ख़ुदी को अल्लाह ताला के साथ रिलेट भी किया। अब ये सेल्फ़ है क्या, ये एक ऐसी खूबी है, एक ऐसी यूनिक क्वालिटी है जो अल्लाह ताला ने हर इंसान में रखी है। ये क्वालिटी जो है ये हमें एक बंदे को दूसरे बंदे से डिफरेंट बनाती है, हमें हम जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं ये सिर्फ सेल्फ़ की बेस पर हैं। तो खुदी बेसिकली क्या है, खुदी अपने आप की एक पहचान है, अपने आप से वाकिफ़ होने का नाम है। अगर कोई शख्स खुद को पहचान जाता है तो इसका ये मतलब है उसकी जो खुदी है वो बेदार हो गई है। अब यहाँ इसकी डेफिनेशन है, खुदी क्या है, इज़ टू रिलाई और डिपेंडेंट ऑन योर ऑन पार्ट्स एंड रिसोर्सेज रेदर देन अदर, यानी ये एक आपकी इज्जत नफ्स है, आपकी खुददारी है कि आप अपनी पावर्स पे डिपेंड कर रहे हो, आप अपना सहारा खुद बनते हो, आप किसी और पर बोझ नहीं बनते, आप किसी और पर डिपेंड नहीं कर रहे हो, आप अपनी ज़ात का बोझ जो है वो खुद उठा रहे हो, आपको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। फिर है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स, ये जो खुदी है ये 3 एलिमेंट्स का जो है वो मजमुआ है। पहला है टू नो वन सेल्फ, यानी अपने आप को जानना, अपनी ज़ात से वाकिफ़ होना, इरफान ज़ात, यानी अपनी ज़ात से वाकिफ़ होना। सेकंड है नोइंग द रियलिटी ऑफ यूनिवर्स, इस कायनात की हकीकत से वाकिफ़ होना, ये कैसे बनी, हम क्यों बनाए गए इंसान, अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किए, ये जो कायनात की हकीकत का इदराक है, इस सब के बारे में जानना जो है खुदी है। और लास्ट में जो है नोइंग अल्लाह, अल्लाह ताला के बारे में जानना, अल्लाह ताला कौन है, अल्लाह ताला की सिफ़ात क्या हैं, बेसिकली ये खुदी है। खुदी के 3 कॉम्पोनेंट्स क्या हैं, कि अपने बारे में जानना, इस दुनिया की हकीकत के बारे में जानना, इसके सीक्रेट्स के बारे में जानना, और एंड में जो है वो अल्लाह ताला के बारे में जानना। देन है खुदी कॉन्सेप्ट बाय अल्लामा इकबाल। तो फर्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ खुदी इज़ मच मोर देन सेल्फ रिलायंस और ईगो, खुदी का कॉन्सेप्ट जो है ये अनापरस्ती और ख़ुदगर्ज़ी से डिफरेंट है। अल्लामा इकबाल ने इसको पॉजिटिव में एक्सप्लेन किया था, उन्होंने कहा था कि ये खुदी जो है ये इंसान के अंदर की एक ऐसी क्वालिटी है जो बाकियों से उसको मुख्तलिफ बना रही है। देन सेकंड पॉइंट है ही डिराइव्ड दी खुदी कॉन्सेप्ट फ्रॉम होली कुरान, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट होली कुरान से डिराइव किया। अकॉर्डिंग टू अल्लामा इकबाल खुदी इज़ द डिवाइन एलिमेंट इनसाइड दी ह्यूमन बॉडी,
इंसान के अंदर जो खुदी है ये एक डिवाइन एलिमेंट है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। इट इज़ स्पिरिचुअल इनसाइड द ह्यूमन गिफ्टेड बाय मैक्रोकॉस्म, सो द ड्यूटी ऑफ ट्रू मुस्लिम इज़ टू अंडरस्टैंड द पावर। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक गिफ्ट है, ये स्पिरिचुअली इंसान के अंदर पाई जाती है और ये एक एलिमेंट है जो कि अल्लाह ताला ने एक इंसान को इससे नवाजा है। सो द ड्यूटी ऑफ ट्रू मुस्लिम इज़ टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। तो एक मुसलमान का काम क्या है कि वो इस ताकत को पहचाने, यानी अपने आप से वो वाकिफ हो। इट इज़ सुपर नेचुरल फोर्स, यानी कि ये एक रूहानी ताकत होती है जो इंसान के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है, स्पेशली इनसाइड द मुस्लिम। इट इज़ द रियलिटी ऑफ मैन, ये एक इंसान की हकीकत होती है। तो अल्लामा इकबाल ने इसको ऐसे डिफ़ाइन किया था। देन है इट इज़ द एनाटॉमी ऑफ स्पिरिचुअल मैन, इट इज़ द सीक्रेट ऑफ लाइफ, वेयर डू यू कम फ्रॉम, ही सेड नो योर सेल्फ, यू आर द सीक्रेट ऑफ कुन फायकुन। यानी उनका वो रिलीजियस थे, उन्होंने इसको अल्लाह ताला से रिलेट किया था, तो उन्होंने कहा था कि हम कैसे आए हैं दुनिया में, हमें क्यों अल्लाह ताला ने बनाया है। तो उन्होंने कहा था कि अपने आप को जानो, तुम कुन फायकुन का एक नतीजा हो, उसका एक सीक्रेट हो, ठीक है। अब व्हाट इज़ सेल्फ, सेल्फ क्या है? इलामा इकबाल कहते हैं कि इंसान की जो खुदी है वो उसको खुदारी सिखाती है, वो उसे किसी के आगे झुकने नहीं देती। ये इंसान में हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करना बताती है, इंसान को बताती है कि क्या चीज़ गलत है क्या सही है। तो ये बेसिकली इंसान की खुदी होती है, इंसान की तरक्की के पीछे जो है ये खुदी ही होती है। अगर आप सही तरीके से इसको पहचान लेते हो तो आगे आपकी जो मंजिल है उस तरक्की हासिल करोगे। अगर किसी ने मतलब तरक्की करनी है तो उसे अपने सेल्फ से वाकिफ़ होना ज़रूरी है। इस खुदी की इलामा इकबाल कहते हैं कोई मंजिल नहीं होती, खुदी को पहुंचने के बाद जो है मज़ीद रास्ते खुलते जाते हैं और आगे बढ़ने का नाम ही खुदी है। आप बढ़ते रहो, आगे चलते रहो, ये नहीं कि आपने अपने आप को जान लिया तो बस काम ख़त्म हो गया, आप रुक जाओ, नहीं, बल्कि आप मज़ीद दुनिया को सर्च करो, मज़ीद आगे बढ़ो, ठीक है। तो खुदी क्या चीज़ है एक्चुअली? ये इंसान की अच्छाइयाँ बुराइयाँ बताती है, इंसान को अपने आप के बारे में जानने में मदद देती है। वह है कि अपनी ज़ात को पहचानो ताकि तुम अपने रब से वाकिफ़ हो सको। यानी अगर आपने अल्लाह ताला को पहचाने तो ज़रूरी है कि आप जो है अपनी ज़ात को पहचानो, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं। इन इकबाल्स फिलासफी ऑफ लाइफ एंड यूनिवर्स इस कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ हैज़ अ सेंट्रल पोजिशन। खुद इज़ अ पर्शियन लैंग्वेज, एक पर्शियन लैंग्वेज का वर्ड है विच मीन्स इंडिविजुअलिज्म, सेल्फिशनेस, इंडिपेंडेंस, बट इकबाल हैज़ यूज्ड इट्स मीनिंग इन हिज स्पीच एज एहसास नफ्स। मतलब इकबाल के कॉन्सेप्ट से पहले इसको इंडिविजुअलिज्म, सेल्फिशनेस वगैरह के तौर पर लिया जाता था, लेकिन इकबाल ने इसको किस तरह से यूज़ किया, इकबाल ने इसको कहा कि ये एहसास नफ्स है। अकॉर्डिंग टू इकबाल आल दी सक्सेस ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स अपॉन सेल्फ कल्टिवेशन एंड ट्रेनिंग। मैन हैज़ वन द बैटल ऑफ ट्रूथ एंड फॉल्सहुड थैंक्स टू हिज प्रिजर्वेंस एंड ट्रेंड सेल्फ। के इंसान जो है अपनी इस्तकामत और तरक्की याफ्ता नफ्स की बदौलत ही हक व बातिल की जंग जीत सकता है। यानी अगर उसका अपने सेल्फ पे कंट्रोल होगा, उसने अपने सेल्फ को ट्रेन किया होगा, तभी जो है यानी ये जो इंसान के अंदर हम कहते हैं कि अपने नफ्स को कंट्रोल कर लेना जो जहाद होता है, तो जब हम उस पर काबू पा लेते हैं तो हम हक व बातिल की जो एक जंग होती है उसको जीत जाते हैं। अकॉर्डिंग टू इकबाल खुद इज़ अ फिलासफी ऑफ लाइफ विच इज़ कम्पोज ऑफ सर्टेन स्पेशल एलिमेंट्स। अकॉर्डिंग टू इकबाल खुदी इज़ अ फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इस्टीम, सेल्फ अवेयरनेस ऑफ वंस ऑन सेल्फ एंड नोइंग इट। अपने बारे में जानना, इज्जत नफ्स, सेल्फ इस्टीम, ये सारी चीज़ें जो हैं ये खुदी में आ जाती हैं। देन है अल्लाह सेज़ आई वॉज अ हिडन ट्रायर, आई वॉन्टेड टू बी नोन, सो आई क्रिएटेड द क्रिएचर। अल्लाह हैज़ क्रिएटेड अस टू रिकग्नाइज हिमसेल्फ, गिव अस हिज क्वालिटीज़, सो टू नो वन सेल्फ, टू आइडेंटिफाई वन सेल्फ इज़ एक्चुअली टू नो अल्लाह। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ, तो इसीलिए मैंने मखलूक को पैदा कर दिया। तो अल्लाह ताला ने अपनी पहचान के लिए हमें बनाया। अल्लाह ताला की बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, अल्लाह ताला बहुत सारी सिफ़ात का मजमूआ है। अल्लाह ताला ने अपनी एक एक सिफ़ जो है लोगों में बाँट दी, लोगों में रख दी, और अल्लाह ताला ने कहा अब तुम उनको पहचानो, अपनी उन सिफ़ात को अपने अंदर को पहचानो, तो समझो तुम मुझे जान रहे हो। तो इकबाल ये कहते हैं कि अल्लाह ताला की क्वालिटी जो अल्लाह ताला ने आप में रखी है, जब आप अपने बारे में जानते हो तो अल्टीमेटली आप गॉड के बारे में जान रहे होते हो, आप खुदा के बारे में जान रहे होते हो। अल्लाह ताला ने अपनी पहचान के लिए हमें बनाया, अपनी क्वालिटीज़ हमें दी, तो खुद को पहचानना, जानना, अपनी शनाख्त करना जो है एक्चुअली अल्लाह ताला को जानना है।
दिन है। अकॉर्डिंग टू अल्लामा इकबाल, अल्लाह ताला इज़ आल्सो एन एब्सोल्यूट सुप्रीम ईगो फ्रॉम विच मैनी ईगोज इंडिविजुअल अपेयर। इकबाल कहते हैं कि अल्लाह ताला ना खुद एक सुप्रीम ईगो है, अल्लाह बहुत सारे सिफात से मिलकर बना है। अल्लाह ताला ने अपनी एक एक सिफत अपने बंदों में रखी है, जब आप उसको पहचान लोगे तो आप खुद ही से वाकिफ़ हो जाओगे और अपने रब को भी पहचान लोगे। खुद ही को जानने से जो है आप अल्लाह ताला को पहचान रहे होते हैं। अल्लाह ताला एक सुप्रीम ईगो है और उस ईगो से अल्लाह ताला ने जो है इंडिविजुअल्स को बनाया, ठीक है। देन नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ बेखुदी। अब इल्लामा इकबाल ने जब यह खुदी को कॉन्सेप्ट दे दिया तो फिर कुछ लोगों ने इस पर क्रिटिसिज्म किया। उन्हें एक्चुअली इकबाल के कॉन्सेप्ट की समझ ही नहीं आई थी। उन्होंने कहा कि इकबाल तो लोगों को उकसा रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं कि वो अपने आप में मगन रहें, मतलब वो सोसाइटी नेशन लोग के बारे में कुछ ना सोचें, बस अपने आप तक महदूद रहें, अपने बारे में सोचें, ठीक है। तो इकबाल का जो असल फ़लसफ़ा था, जो इकबाल कहना चाह रहे थे, वो लोगों को समझ ही नहीं आया था। तो इल्लामा इकबाल ने इस सरारे खुदी में अपनी ये खुदी का कॉन्सेप्ट दिया था और उसके 3 साल बाद रमूज़े खुदी में बेखुदी का कॉन्सेप्ट दिया। अब इसको हम 2 तरह से ले सकते हैं। एक तो ये कि अगर हम खुदी को इन मानों में लेते हैं कि खुदी जो है ये कोई ईगो है, कोई अनापरस्ती है, खुदगर्जी है, सिर्फ अपने बारे में सोचना है, तो इल्लामा इकबाल के इस बेखुदी के कॉन्सेप्ट से क्या मतलब है कि आपको अनापरस्त नहीं होना चाहिए, आपको दूसरे लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए, आपने सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं देखना, आपने दूसरे लोगों के लिए काम करना है। तो एक मीनिंग क्या निकल रहा है कि इंसान को अनापरस्त और खुदगर्ज नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर हम खुदी का मतलब लेते हैं कि ये खुदारी है, ये इंसान की जो है सेल्फ इस्टीम है, इज़्ज़त नफ्स है, इस उसमें लेते हैं कि अपने बारे में जानना है खुदी, ठीक है। तो बेखुदी क्या है? तो इकबाल कहते हैं कि जो खुदी है इसकी कोई मंजिल नहीं होती। अपने आप को जानने के बाद जो है वो इंसान आगे बढ़ता रहता है, मतलब पहले आपने खुद को जान लिया, ठीक है, अब उसके बाद आपका क्या काम है कि आपने इसे आगे बढ़ना है। इंसान अपनी ज़ात को प्रायोरिटी नहीं देता, ठीक है, जब वो जान लेता है, बल्कि फिर वो सोसाइटी को प्रायोरिटी देता है। जब वो अपनी खुदी से निकलता है तो वो बेखुद हो जाता है, मतलब अब उसने अपने आप को पहचान लिया है, अब वो अपनी खुदी से निकलकर बेखुद हो गया है और वह माशरे और अल्लाह ताला की मखलूक की बेहतरी के लिए काम करना शुरू कर देता है। तो ये दूसरी तरह से हम मीनिंग ले सकते हैं बेखुदी का। असल में खुदी का भी यही कॉन्सेप्ट था, लेकिन लोगों को उसका सही मानों में समझ नहीं आया था, तभी जो है इकबाल को ये कॉन्सेप्ट भी देना पड़ा। अब खुदी एक्चुअली क्या है? खुदी अल्लाह ताला को और अपने आप को बारे में जानने का नाम है, अपने अंदर की जो एक ख़ास क्वालिटी है, सिफ्त है, उसके बारे में जानने का नाम है। हमारे अंदर एक खास ताकत रखी है अल्लाह ताला ने, स्पिरिचुअल पावर है हमारे अंदर, और ये हमारी खुददारी है कि हम जो है सिर्फ अपने आप पर मुनसर हैं, हमें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, किसी के आगे झुकने नहीं देती हमें ये खुदी। तो ये खुदी का कॉन्सेप्ट है। लेकिन बेखुदी क्या है कि खुदी को जानने के बाद अपनी ज़ात से निकल कर मिल्लत कौम और अल्लाह ताला की जो वो है मखलूक है उसकी बेहतरी के लिए काम करना जो है वो बेखुदी है। और बेखुदी में हम ये भी कह सकते हैं कि अपनी अनापरस्ती से, अपनी खुदगर्जी से निकल कर दूसरे लोगों के लिए काम करना। देन है कंक्लूजन। इकबाल सेड दैट द फिलॉसफी ऑफ खुदी इज़ द अल्टीमेट वे टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ वंस एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ। खुदी जो है एक अल्टीमेट वे है ये समझने का कि यह दुनिया अल्लाह ताला ने क्यों बनाई, हम क्यों बनाए गए। तो अल्लाह ताला ने कुन फाय कुन के ज़रिए से जो है इस दुनिया को तख्लीक किया। द डोमिनेंट आइडिया दैट इकबाल एम्फेसाइजेस इज़ दैट नोइंग वन सेल्फ इज़ इन फैक्ट एन इमीडिएट परसेप्शन ऑफ गॉड, यानी अपने आप को जाना अल्टीमेटली आप गॉड को जान रहे होते हो। ही फोकसेस हिज अटेंशन ऑन द इंडिविजुअल आई द शिफ्टिंग द एम्फेसाइजेस फ्रॉम डिवाइन टू ह्यूमन। उन्होंने इंडिविजुअल पर फोकस किया था और डिवाइन से उन्होंने ह्यूमन पे किस तरह से अल्लाह ताला की सिफात थी, अल्लाह ताला ने अपनी सिफात जो है वो हर इंडिविजुअल को दे दी, और उन सिफात को जानना जो है वो खुदी है। और जब आप खुदी को जान लेते हो तो आप अल्लाह ताला को जान लेते हो। इल्लामा इकबाल कहते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये जो खुदी है वो इल्लामा इकबाल कहते हैं उसको इतना ऊंचाई पे ले जाओ, उसको इतना बुलंद कर लो कि अल्लाह ताला तुमसे ख़ुद पूछें कि बताओ तुम्हारी रज़ा क्या है। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ खुदी जो इल्लामा इकबाल ने दिया था। तो आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।